वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और आज काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। सबको आपको ऑलमोस्ट पता तो होगा ही भी यूके में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए और जो यहाँ पे आके स्पॉन्सरशिप या जॉब वगैरह करना चाहते हैं। मेनली मैं रेकमेंड करता हूँ जो वीज़ा टियर टू वाला जो वीज़ा है स्पॉन्सरशिप का, इसमें हेल्थ केयर के अंदर होती है स्पॉन्सरशिप, तो उस वीज़ा को मैं रेकमेंड करता हूँ। तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी भी ये मान के चलो, फाइनल नहीं मान के चल सकते अपने, क्योंकि जो रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं वो 2024 से होने वाले हैं जनवरी से। तो इनमें कुछ मान के चलो अभी करेक्शंस हो सकती है या जैसे भी सेटल करेगी यूके गवर्नमेंट, क्योंकि माइग्रेशंस यहाँ पे देख लो इमिग्रेशन के अंदर जो लोग आए हैं, जो इन्होंने आने वाले 2030 तक बुलाने थे, वो तो इनका 2 सालों के अंदर ही पूरा हो गया है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि इन्होंने जैसे प्लान बनाया था इतनी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट से लेनी है, तो उतने मतलब भी कम्प्लीटली जस्ट ही पूरा हो गया। तो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत इनको आ रही है डिपेंडेंट्स की, क्योंकि अगर डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही, जो मैं काफ़ी पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ भाई। जो डिपेंडेंट्स अभी यूके के अंदर आ रहे हैं उनकी वजह से स्टूडेंट्स को जॉब इसलिए नहीं मिल रही कि कोई जॉब वाला हायर करेगा तो एक बंदे को मान के चलो हायर करना, एक उसकी जगह उसको हायर करने पड़ेंगे 3 बंदे 20 आवर्स 60 आवर्स के लिए, और वैसे वो एक डिपेंडेंट को हायर करके ही 60 आवर्स पूरे करवा लेगा। तो वो क्यों इतना डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू प्रोसेस और बाद में कॉल करके बुलाना, एक बंदे को मैनेज करना ईजी होता है। तो ये सारी चीज़ों करके स्टूडेंट्स वेरी डिफ़िकल्टी फीस फेस कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड। और यूके का आपको वेदर पीछे दिख ही रहा होगा कि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ तो नहीं है मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग टू सर्दी ही, पर यहाँ की गर्मियाँ आ चुकी हैं और सन पीछे आप देख ही सकते हो और लोग भाई बॉल खेल रहे हैं, घूमने आए हुए हैं सारे। सो इट्स यू नो अमेज। तो भाई सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स को 2024 के अंदर फेस करने की प्रॉब्लम वो है डिपेंडेंट्स की, क्योंकि जो लड़कियां मान के चलो लड़कियां लड़के जो भी मैरिज करके इंडिया से आ रहे, तो एक बंदे को फुल टाइम वर्क राइट्स मिल रहा था, तो वो पूरा फीस का सब कुछ इजीली मैनेज हो रहा जा रहा था, कोई मतलब दिक्कत नहीं आ रही थी। 20 आवर्स मान के चलो कोई जो स्टूडेंट है वो कर रहा है, डिपेंडेंट आवर फुल आवर्स कर रहा है। तो डिपेंडेंट को एज ILR जो यहाँ पे PR होते हैं उतने राइट्स थे यहाँ पे, तो जिसको अब कम करना है कि गवर्नमेंट सोच रही है और उन्होंने न्यू जो लॉज आए हैं वो 2024 के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और जो लॉ अभी चल रहा है जैसे टीयर टू के अंदर अपने स्टडीज़ के बीच के अंदर जो स्टूडेंट स्टडीज़ नहीं कंप्लीट कर पाते वो स्टडीज़ छोड़कर उन लॉज के अकॉर्डिंग अपना वीज़ा टीयर टू में चेंज करवा लेते थे, और टीयर टू से डायरेक्टली इजीली 5 ईयर के अंदर यहाँ पे आपको ILR के लिए एलिजिबल हो सकते हो आप। तो इस वजह से काफ़ी ईजी होता था स्टूडेंट्स के लिए, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू कैन फाइंड योर जॉब्स विच कैन स्पॉन्सर यू। तो ये काफ़ी मुश्किल्स आई हुई हैं, तो इनके भी बहुत मान के चलो बेनिफिट, एक सबसे एडवांटेजेस है स्टूडेंट्स के लिए जो अकेले आते हैं, और डिपेंडेंट्स के लिए ये डिफ़िकल्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये थी अभी की अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।